हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं लक्ष्मी हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ अच्छे प्राइस पे आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 150 गज में बना हुआ 3 BHK अपार्टमेंट, और जिसकी लोकेशन रहती है वो है जीरकपुर पटियाला हाईवे। 150 गज में आप कितना प्यारा घर बना सकते हैं, कितना अच्छा लेआउट बना सकते हैं। आपको इस घर के लेआउट और इसके इंटीरियर से आइडिया लग जाएगा कि इस घर में आपको कितनी अच्छी स्पेस, कितना अच्छा लेआउट और कितनी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो शुरू करते हैं आपका होम टूर और दिखाते हैं आपको 3 BHK अपार्टमेंट जो बना है 150 गज। दोस्तों जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं आपका वेलकम होता है सबसे पहले इतनी प्यारी किचन के साथ। हम घर हमेशा ड्राइंग डाइनिंग से शुरू करते हैं, पर आज हम शुरू करेंगे किचन से। आइए, 7.5x12 की आपको मिल जाती है किचन। अगेन आप किचन देख सकते हैं कितनी स्पेशियस है, पहले शिफ्ट की आपको किचन मिल रही है और 150 गज में ये फ्लैट बना हुआ है। आप याद रखना 150 गज में और इतना प्यारा लेआउट मिल जाता है आपको। मैं बात करूँ किचन की तो आपको मिल जाती है सॉफ्ट क्लोजर के साथ मॉडलर किचन। ऊपर आप देख सकते हैं ग्लास प्रोफाइल के जो कैबिनेट्स हैं वो इस किचन को अगेन आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, हॉब और चिमनी की आपको प्रॉपर स्पेस दी हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है स्टोरेज की, और यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिक ओवन की स्पेस मिल जाती है, और अगेन ग्लास प्रोफाइल के साथ आपको मिल जाती है आपकी पेंट्री। तो बहुत ही अच्छी लग्जूरियस आपको यहाँ पे किचन मिल रही है, और अगेन एक 150 गज के फ्लैट में लो रेंज अपार्टमेंट में आपको डबल डोर फ्रिज की स्पेस मिल जाती है। आप इजीली यहाँ पे डबल डोर फ्रिज लगा सकते हैं, और क्या चाहिए, वो है इसका प्राइस, वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और इसी के साथ आपको मिल जाती है आपकी फ्रंट की बैल्कनी। तो अगेन आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्रंट बैल्कनी, पीछे आपका व्यू रहेगा सड़क का, और इस सोसाइटी में आपको लिफ्ट मिल जाएगी और आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे पार्क। दोस्तों किचन के बाद अब हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया में। इसका साइज रहता है 20x16। जी हाँ, 20x16 का आपको मिल जाता है आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, और आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है लिविंग रूम में। और अगेन आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो फ्रंट में अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिग साइज आपका LED पैनल का प्रोविजन मिल जाता है। तो आप इस तरीके से LED पैनल यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक तरीके से हमने यहाँ पे LED पैनल डिज़ाइन किया हुआ है। तो फिर बोलूँगा 150 गज के फ्लोर रहने वाले हैं लो राइज में, पर जो क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है। लिविंग के बाद अब हम बात करते हैं अपने डाइनिंग की। तो अगेन आपको एक डिसेंट स्पेस मिल जाती है डाइनिंग एरिया के लिए। हमने यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ आप देख सकते हैं। फिर भी जो सर्कुलर स्पेस है, आपकी सर्विस स्पेस है, वो भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। और घर की एक सबसे अच्छी बात है वो है पूजा स्पेस। घर में आपको एक मंदिर चाहिए ही, हमें पता है कि घर में एक मंदिर जरूरी होता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजन दी हुई है। आप यहाँ पे अपना मंदिर बना सकते हैं, हमें आपको सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करके देंगे और आप इस तरीके से मंदिर डिज़ाइन कर सकते हैं। 150 गज में बना हुआ ये 3 बेडरूम अपार्टमेंट रहने वाला है। ड्राइंग डाइनिंग किचन अभी आपने देखा, अब बात करते हैं अपने बेडरूम्स की। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे, एक मेरे बिल्कुल साथ मिल जाएगा जो आपका किड्स और गेस्ट बेडरूम रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। 12x13 का आपको मिल जाता है यहाँ पे बेडरूम साइज। अब बेडरूम की बात करूँ तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको एक लग्जरी फील होती है एक अफोर्डेबल कैटेगरी में। अगेन आप देखिए बेड प्लेस है, पीछे बेड बैग का काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इंटीरियर इस घर का आपको काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है, लुक्स काफ़ी अच्छी हैं, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगेन मैं बात करूँ LED पैनल की, तो एक अच्छा और यूनिक स्टाइल का आपको यहाँ पे अगेन LED पैनल भी मिल जाता है। इसी के साथ बात करते हैं आपकी वार्डरोब्स की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 3 डोर वार्डरोब्स, और वार्डरोब्स आप देखिए कितनी स्पेशियस आपको मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है कबर्ड्स का। आमतौर पर आपको 2 डोर कबर्ड मिलती हैं, पर हमने यहाँ पर आपको 3 डोर कबर्ड्स दी हुई है, तो काफ़ी यूनिक स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ रहता है आपका अटैच वॉश। दोस्तों अभी हमने देखा आपका फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। आइए, इस बेडरूम में आपको जो साइज़ मिलता है वो है 12x13 का। तो तीनों बेडरूम आपके अप्रोक्स सेम साइज़ के रहने वाले हैं। मैं बात करूँ इसके इंटीरियर की, तो अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल जाता है। बेड बैग काफ़ी लाइट मिल जाती है, और कलर जो कॉम्बिनेशन इस पूरे रूम का आपको बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बेड के बिल्कुल सामने आपको एक LED पैनल का बहुत अमेजिंग आपको बिग साइज LED पैनल का प्रोविजन मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है वार्डरोब्स। अगेन आपको 2 डोर मिलने वाली है और आपके रूम हाइट तक रहेंगे, और इसी के साथ आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया
इसी के साथ आपका रहता है अटैच वॉशर। दोस्तों ये रहेगा आपका किड्स कम गेस्ट बेडरूम, अगेन 12x13 का आपका ये भी सेम साइज का बेडरूम रहने वाला है जो आपने अभी पहले दो बेडरूम देखे। अगेन बहुत अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है गेस्ट और किड बेडरूम के हिसाब से। और अगेन मैं बात करूँ इसके इंटीरियर की, इस बेडरूम में भी काफी आपको यूनिक इंटीरियर मिल जाता है। LED पैनल का प्रोविजन आपको प्रॉपर दिया हुआ है। अगर किड्स बेडरूम है तो आप यहाँ पे स्टडी टेबल भी अपना बना सकते हैं, उसका प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है। और इसी के साथ आपका मेरे बिल्कुल सामने रहता है आपका अटैच वॉशर। तो दोस्तों 150 गज में बना हुआ ये 3 BHK अपार्टमेंट कैसा लगा आपको, आप अपने जो व्यूज है हमें जरूर शेयर करना। इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस शुरू होता है वो है 71.90 लाख, प्राइस अगेन नेगोशिएबल। कोई भी क्वेरी आपकी इस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, इस लोकेशन रिगार्डिंग, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू असिस्ट यू, वी विल लव टू हेल्प यू। मैं लकड़ी आपसे ज्यादा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो साहब।